नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल पर आपका स्वागत है यह है चैप्टर एक संख्या पद्धति एक्सरसाइज वन पॉइंट वन हो गई है अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिए ये एक्सरसाइज वन पॉइंट टू है मैं कृष्ण कुमार शुक्ला आप के शुक्ला से पढ़ रहे हैं तो एक्सरसाइज वन पॉइंट टू का क्वेश्चन हम देखेंगे अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए एक्सरसाइज वन पॉइंट टू का पहला क्वेश्चन है इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है कारण सहित जैसे पहला क्वेश्चन है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो आइए देखते हैं कि वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं वास्तविक संख्याएं है जिसको इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं रियल नंबर क्या होते हैं परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या परिमेय संख्याओं एवं अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं जितनी भी संख्याएं हैं या तो परिमेय संख्याएं होंगी या तो अपरिमेय संख्याएं होंगी परिमेय कैसे होंगी दो बटे तीन परिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या क्या है अंडर रूट दो अंडर रूट तीन अंडर रूट चार अंडर रूट पांच ये सब क्या हैं अपरिमेय संख्याएं ये परिमेय संख्याएं जब इन सभी संख्याओं को इकट्ठा कर लेते हैं या संग्रह कर लेते हैं इन संग सभी संख्याओं को परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को जब एक साथ लिख देते हैं तो ये बन जाता है रियल नंबर यानी वाकई में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों रियल नंबर हैं तो संख्या रेखा पर दोनों को दिखाया जा सकता है परिमेय संख्या, संख्या को भी और अपरिमेय संख्या को भी दिखाया जा सकता है तो जितनी भी संख्याएं नंबर लाइन पर संख्या रेखा पर दिखाई जा सकती हैं ये सब क्या होती हैं रियल नंबर होती हैं तो रियल नंबर की परिभाषा क्या होगी परिमेय संख्याओं एवं अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं रियल नंबर कहते हैं इसे आर से लिखते हैं क्योंकि यहाँ से रियल आर से स्टार्ट हो रहा है रियल नंबर तो पहले क्वेश्चन क्या था आइए देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है यहां पर प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है आपको रियल नंबर पता चल गया क्या है रियल नंबर क्या होती है रियल नंबर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का संग्रह होता है तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या मान लीजिए अपरिमेय संख्या है अंडर रूट दो अंडर रूट पांच अंडर रूट सात ये सब क्या है अपरिमेय संख्याएं हैं तो प्रत्येक सभी अपरिमेय संख्याएं क्या वास्तविक संख्याओं के अंदर होती हैं तो बिल्कुल होती हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा यस हाँ परिमेय प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है क्यों क्योंकि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याएं ही तो होती हैं तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगी अगर यहीं पे प्रत्येक परिमेय लिखा होता तो क्या होता अगर होता क्वेश्चन कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है तो भी आंसर होता सही हां तो प्रत्येक अपरिमेय और परिमेय दोनों संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं उत्तर हो जाएगा यस yes. ट्रू हो जाएगा इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम के रूप में होता है दूसरा क्वेश्चन है तो जहां लिखा है जहां एम इक्वल टू नेचुरल नंबर जहां एम एक प्राकृतिक संख्या है तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अगर बात करते हैं ये एक संख्या रेखा है इसका प्रत्येक बिंदु वन टू थ्री फोर इधर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री जीरो है वन टू थ्री फोर फाइव माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर एम के रूप में होता है तो अब अगर ये संख्याएं क्या है अगर चार की बात करें या दो की बात करें तो दो किस रूप में लिखा जा सकता अंडर रूट फोर के रूप में लिखा जा सकता है तो अगर अंडर रूट एम की जगह अंडर रूट फोर लिखेंगे तो ये संख्या रेखा पर आएगा संख्या रेखा पर आ गया लेकिन संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम के रूप में होता है तो ये गलत हो जाएगा क्यों क्योंकि तीन क्या है अंडर रूट एम के रूप में संख्या रेखा पर नहीं है को अंडर रूट एम के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो कुछ संख्याएं हैं कुछ संख्याएं संख्या रेखा प्रत्येक बिंदु नहीं कुछ बिंदु ही है जैसे अंडर रूट फोर अंडर रूट नाइन अंडर रूट सब अंडर रूट सिक्सटीन इक्वल टू सो, फोर हो जाएगा और फोर संख्या रेखा पर है तो अंडर रूट एम का प्रत्येक बिंदु नहीं होगा केवल कुछ ही बिंदु होंगे आंसर क्या हो जाएगा इसका नो no. इसका आंसर होगा नो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूड एम के रूप में नहीं होगा सिर्फ कुछ ही बिंदु अंडरवूड एम के रूप में होते हैं ठीक है क्लियर है अगर आप ये वीडियो डेमो के रूप में देख रहे हैं तो पीवीआर स्टडी को सब्सक्राइब करिए और पीवीआर स्टडी ऐप डाउनलोड करना मत भूलिए पीवीआर स्टडी ऐप डाउनलोड करिए वहां पर आपको सारी क्लासेज मिलेंगी प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है तो वास्तविक संख्याएं क्या होती है रियल नंबर परिमेय परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या होती है वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होती है तो कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय अपरिमेय संख्या होगी तो गलत कह रहा है क्यों क्योंकि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं परिमेय और अपरिमेय दोनों होती हैं ये कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है अपरिमेय तो होती है लेकिन परिमेय भी होती है तो ये भी इसका भी आंसर क्या होगा आंसर होगा नो, no, यानी फॉल्स नहीं प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है ये आपको आंसर में लिखना है चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर दो लिखा है क्या सभी धन पूर्णांकों के वर्गमूल क्या सभी धन पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं सभी धन पूर्णांक सभी धन धन क्या होते हैं वन टू थ्री फोर फाइव से लेकर के सभी पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो जो परिमेय हो तो आइए देखते हैं पूर्णांक क्या होते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन यही तो होते हैं पूर्णांक तो कह रहा है सभी धन पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं आइए चेक कर लेते हैं दो का वर्गमूल निकालते हैं अंडर रूट दो अंडर रूट दो क्या है ये अपरिमेय है अपरिमेय है अंडर रूट दो क्या है अपरिमेय है अब तीन का वर्गमूल निकालते हैं क्या होगा अंडर रूट तीन ये भी क्या है अपरिमेय है अंडर रूट चार का वर्गमूल निकालते हैं अंडर रूट चार अंडर रूट चार का वर्गमूल निकलेगा तो कितना आएगा दो आ जाएगा दो क्या है परिमेय है कि अपरिमेय दो परिमेय है दो एक परिमेय संख्या है परिमेय संख्या है तो अब यहाँ पर हमें पता चल गया कि क्या सभी धन पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं नहीं नहीं क्या आंसर आया नहीं नो no. सभी धन पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं सिर्फ कुछ के जैसे अंडर रूट दो अंडर रूट तीन ये अपरिमेय है लेकिन अंडर रूट चार क्या है एक परिमेय संख्या है तो कह रहा है यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए तो एग्जाम्पल दे दीजिए एग्जाम्पल क्या है अंडर रूट फोर इक्वल टू दो दो एक परिमेय संख्या है लिख दीजिए एग्जाम्पल अंडर रूट चार इसका वर्गमूल आएगा दो दो एक परिमेय संख्या है और एग्जाम्पल दे दीजिए अंडर रूट नाइन अंडर रूट का वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा थ्री और थ्री भी क्या है एक परिमेय संख्या ये सब क्या है परिमेय परिमेय हैं परिमे संख्याएं है। तो अंडर अंडर रूट रूट भी परिमे है, 4 भी परिमेय परिमेय है है तो सभी धन पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं नहीं होते हैं सभी धन पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं आपका आंसर होगा नौ no, और इसका एग्जाम्पल ये हो जाएगा ठीक है समझ में आ रहा है अगर कहीं पे नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए हम नेक्स्ट क्लास में आपको फिर से बताएंगे आइए आगे बढ़ते हैं देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीन क्वेश्चन में तीन दिखाइए कि संख्या रेखा पर अंडर रूट पांच को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है यानी अंडर रूट फाइव है इसको संख्या रेखा पर दिखाना है अब जैसे मान लेते हैं ये कोई संख्या रेखा है तो वन टू थ्री फोर दिखाना होता है हम तो बढ़िया आसानी से दिखा लेते हैं जैसे ये जीरो हो गया ये वन टू और ये थ्री इधर क्या हो जाएगा माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री ऐसे आगे तो वन टू थ्री आराम से दिखा लेते हैं लेकिन अगर बात करते हैं रूट फाइव की या रूट टू की रूट थ्री की तो ये अपरिमेय संख्याएं है होती हैं इनको कैसे संख्या रेखा पर दिखाते हैं आइए देखते हैं तो फाइव है ये को 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 संख्या को और क्या लिख सकते हैं? फोर प्लस वन अंडर फोर को क्या लिख सकते हैं? टू का प्लस वन का लिख सकते हैं अब यही टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर इस फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं इसको जिससे कि ये पाइथागोरस प्रमेय के रूप में बन जाए ठीक है तो अगर अब क्या करेंगे दोबारा टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर हो गया अब यहां पर देखेंगे जीरो से लेकर के टू यूनिट तक जाएंगे जीरो से टू यूनिट पर यहां पर है टू यहां पर एक परपेंडिकुलर खींचेंगे यानी कि नब्बे डिग्री का कोण पॉइंट टू पर जहां पर नंबर टू है यहां पर एक नब्बे डिग्री का कोण बना लेंगे नब्बे डिग्री ये रहा स्केल की सहायता से यहां पर एक नाइंटी डिग्री का एंगल बना लेंगे ठीक ठीक है अब दूसरा काम क्या करेंगे ये यहां से यहां तक कितना सेंटीमीटर हुआ टू सेंटीमीटर ये वाला टू सेंटीमीटर हो गया अब हमें वन सेंटीमीटर चाहिए तो ऊपर वाला हम परपेंडिकुलर को वन सेंटीमीटर ले लेते हैं चाहे हम यहां से नाप कर ले लें चाहे वन सेंटीमीटर को यहां से काट लें वन यूनिट ठीक इस तरह से ऐसे नापेंगे one, और यहां से एक आर्क लगा करके इसको कट कर लेंगे वन सेंटीमीटर ठीक है सेंटीमीटर कहें या, या यूनिट कहें क्योंकि हमने यहां एक सेंटीमीटर बराबर दो सेंटीमीटर को एक सेंटीमीटर माना है ये देखिए दो सेंटीमीटर को हमने यहां पे एक सेंटीमीटर माना है अगर दो सेंटीमीटर लेंगे तो ये चार सेंटीमीटर बन जाएगी ये आपके ऊपर है इसको दो सेंटीमीटर इसलिए ले ताकि ये देखने में अच्छा लगे थोड़ा बड़ा बड़ा रहेगा अब तीसरा काम क्या करेंगे इसको इस कट से पॉइंट ए को यानी जीरो को मिला देंगे ठीक ये जो नंबर लाइन है ये वाली लाइन ये क्या हो जाएगी अब यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाए हैं 90 डिग्री अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया यानी समकोण त्रिभुज हो गया जिसकी ये वाली भुजा कितनी है दो ये वाली भुजा एक है तो अगर ये पॉइंट मान लेते हैं ए है ये बी है और ये सी है तो ये वाली भुजा कितनी हुई वन और ये वाली टू यहां से यहां तक तो अगर ए सी की बात करें ए सी निकालेंगे ए सी बराबर क्या हो जाएगा पाइथागोरस पर में से अंडर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर ठीक है अब ए सी कितना है ए सी निकालना है ए बी कितना है अंडर रूड ए बी टू का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है वन का स्क्वायर ए सी ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा दो दोनों चार एक पाँच अंडर रूट फाइव यानी ए सी कितना हुआ अंडर रूट फाइव यानी ये वाली भुजा कितनी हो गई अंडर रूट फाइव बस अब आपको नंबर लाइन पर अंडर रूट फाइव मिल गया है उठाएंगे प्रोटेक्टर और इससे यहाँ से रख करके इसको इतना खोलेंगे सी तक ठीक है जीरो से इस पॉइंट तक खोलेंगे और यहाँ से एक लगा देंगे आर्क इस तरह से ये अब ये वाला पॉइंट मान लेते हैं पी है तो ए से लेकर के पी तक ये क्या हो गया यही अंडर रूट फाइव है तो नंबर लाइन पर अंडर रूट फाइव यहां आएगा दो और तीन के बीच में अंडर रूट फाइव तो इसको इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे अब मान लीजिए क्वेश्चन में आता है कोई भी नंबर आता है मान लीजिए अंडर रूट सो सत्रह आ गया अंडर रूट सेवनटीन आ गया तो इसको क्या लिख लेंगे सिक्सटीन ये वैसे क्वेश्चन में नहीं है हम बता रहे हैं तो ये फोर का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर अगर कहीं क्वेश्चन में आता है तो हम इसके लिए आपको बताएंगे नहीं तो इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाकर हम आपको देंगे तो फोर तो यहां पर फोर यूनिट ले लेंगे यहाँ पर फोर यूनिट ले लेंगे ऊपर एक यूनिट लेकर के मिला देंगे और यहाँ से आर्क लगा देंगे रूट सेवेंटीन नंबर लाइन पर बन जाएगा तो ये है आपका एक कंप्लीट होता है एक्सरसाइज वन पॉइंट टू कम्प्लीट होता है अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे वन पॉइंट थ्री एक्सरसाइज ठीक है तो वीडियो कैसी लगती है आपको कमेंट करके जरूर बताइए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आप इस क्लास को डेमो के तौर पर देख रहे हैं पी वी आर स्टडी चैनल को और पी वी आर स्टडी ऐप को जरूर डाउनलोड करें Thanks for watching.